हेलो टेस्टली एवरीवन, वेलकम बैक टू निमा प्रमा की चैनल। सभी को निमा प्रमा की चैनल में स्वागत है। आज फ्राइडे है, हैप्पी फ्राइडे टू एवरीवन। आज फ्राइडे है तो मैंने सोचा मैं मम्मी को बाहर लेके चलूँ, क्योंकि जब भी मेरा छुट्टी होता है मैं कोशिश करते हैं मम्मी को बाहर लेके चलूँ। तो अभी मैं जा रहा है कॉस्को में जा रहे हैं। मैं सोचा कुछ सामान लेना है, क्योंकि मेरा मम्मी जो है जब घर में बैठते हैं जहाँ कॉस्को से कुछ नाइट सूट लूँ। और देखते हैं कॉस्को में जाते हैं तो आपको सभी को पता है एक चीज लेने जाते हैं लेकिन बहुत चीज ऐसे खरीद बहुत चीज लेके आ जाते हैं, क्योंकि कॉस्को में इतना सुंदर सुंदर सामान आता है। और जो भी जाऊँ वहाँ पे शॉपिंग तो कर ही लेते हैं। तो चलिए मैंने सोचा ब्लॉग जो है यही से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरा मम्मी जो है बाहर वेट कर रहे हैं दादा के साथ। तो चलिए अब सभी को मैं कॉस्को पे लेके चलते हैं आज। ओके, हम कॉस्को की बीच रास्ता में आ गया है। तो हम जब घर से निकला था बस से आया था, और यहाँ से पैदल वॉक करके जाना पड़ेगा, थोड़ा सा जाना पड़ेगा, इसके आगे ही है। तो चलिए मैं आगे आगे, मेरा मम्मी पीछे पीछे से आ रहा है। और ये जो मैंने सूट पहना है मेरा फ्रेंड ने लेके दिया था जब वो इंडिया पे गया था। मैं खुद भी लेते ना इतना फिटिंग नहीं लेते, इतना अच्छा लग रहा है ना ये सूट, बहुत अच्छा लगा मुझे। और कलर भी और उसका ऊपर का जो प्रिंट भी है बहुत अच्छा लगा। तो ये फिटिंग जो है ना बहुत अच्छा है। जो भी ओ मेरा फ्रेंड जो भी लेता है ना मेरे लिए फिटिंग बहुत अच्छा लेते हैं। मैं खुद भी लेता है ना ऐसे इतना फिटिंग मैं खुद नहीं ले पाता है। तो थैंक यू, वो जब भी इंडिया जाओ जहाँ भी जाओ मेरे लिए कपड़ा ही लेके आना। हम अभी कॉस्को के बीच पहुँच ही गया। जस्ट 1 सेकेंड वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से, ये पहुँच गया। वो जो है वो कहाँ पे कॉस्को है। तो मम्मी हम दोनों को यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम कॉस्को से क्या लेता है। ऐसे ही करके जब भी मैं कॉस्को आते हैं ना वो भी बहुत बिजी होते हैं, कभी भी कॉस्को खाली नहीं होते हैं सका सिकला नहीं चलता। हाय।
ta se unatay sa kaya sama. Pero ito sa mga. Oh, nando ko siya. Ali ni. Kung na mo siya unat. Dito. Muito que tem. Problema? 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 Can I have one of them from there? Ella, let me. Okay, only five. How on it? Turn on it. Oh, turn on it. Yeah, on it. Ti si mbudu? Trai timba. Yue tsangari si. Big dress la rida, weekend la ta gatsu yugirta. Ali go ok. Adi
सब्जी तक खाला लुए देखो कितना सुंदर सुंदर फ्लावर यहाँ पे है, मैं आप सभी को दिखाऊंगा। यहाँ पे ये आउटडोर है, कॉस्को में है, आउटडोर में है, लेकिन देखो पूरा टिब्बक के साथ ले सकते हैं, लेकिन बहुत महंगा भी है। हाँ हम स्किन झोला महंगा भी है, हर मो देखो दादा तो रोज सो ही जाते हैं बाहर जब भी आते हैं ना। देखो कितना सुंदर फ्लावर है यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे है। जब घर बड़ा सा घर लेगा ना तभी ये सब सूट करेगा, क्योंकि ये अभी तो यहाँ रखने के लिए जगह भी नहीं है। जगह भी तो चाहिए लेने के लिए ना, लेने के लिए ले लेता लेकिन जगह नहीं है। ये पोर्ट जो है बहुत बड़ा बड़ा है, तो इसलिए अभी नहीं लेगा, ऐसे ही थोड़ा देख रहा है। मन को शांति मिलता है फ्लावर अच्छा अच्छा फूल को देख के। देखो ये सब जो है एप्पल ट्री है, एप्पल ट्री। अलग अलग एप्पल ट्री क्या करेगा, लेके भी कहाँ पे लगाएगा। बारिश गिर रहा है, देखो बारिश गिर रहा है। ऊपर में छत में कुछ लगाया है लेकिन फिर भी वेट तो हो ही रहा है। ये सब फ्लावर जो है ना, ये अच्छा सा घर चाहिए उसके लिए, तो जैसे हम अपार्टमेंट में बैठा है वो इसके लिए तो अच्छा नहीं है, अच्छा से नहीं होगा। ये बड़ा बड़ा पॉट चाहिए इसमें, ये वाला तो आ जाए चाहता है, मैंने पहले लगाया था मेरा अपार्टमेंट में। ये फ्लावर जो है ना अरुणाचल में बहुत लगाते हैं, ये वाला और ये भी लगाता है अमा उसे, ये वाला भी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा चलता है हमारा अरुणाचल में। और ये तो बहुत ही ज़्यादा पहाड़ पे ऐसे मिट्टी में लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा आ जाता है। हो तो अमा ये चिप्स जो है ना ये ट्राई कर रहे हैं। चिली के लिए ये लिया, स्पाइसी पसंद करता है तो दादा के लिए ये लिया बड़ा बड़ा चिली। इम्बला मामा चिप्स ट्राई हो मी। अभी हम बिल पे करने जाएगा, उसके बाद घर चला जाएगा, उसके बाद घर नहीं जाएगा, पहले मैं पिज्ज़ा और कुछ खाएगा वहाँ से। अभी वेजिटेरियन चल रहा है तो चीज़ पिज़्ज़ा ही खाना पड़ेगा। हाँ चीज़ पिज़्ज़ा खाएगा, उसके बाद हाँ मेरा हस्बैंड यहाँ पिकअप करने आएगा तभी हम जाएगा। हाँ ओ दामा, और फ्री का चीज़ बहुत ज़्यादा दे रहा है तो मैं ये भी ट्राई करेगा। कैन आई ट्राई दिस? यस प्लीज, दिस इज योर कॉल, यू वेलकम ऑन सेल टुडे। चाय आयो तो आम था तो कोटा उन्ना था नहीं तो उन्ना था ही उन्ना था। ऑरेंज का पत्ता, ऑरेंज का पत्ता है। Zero sugar, this is energy drink with only natural caffeine. Green tea and green coffee beans with electrolytes. Demol for water. Qué es todo lo que tiene?
ये देखा, ये मैंने पी के देखा ना, ये वाला है और अलग अलग फ्लेवर है। देखो सब ट्राई कर रहा है। कॉस्को में आता है ना यही मज़ा आता है, जो लोग ट्राई करते हैं ना, ट्राई करते करते पेट भर जाता है। मेरा भी पेट भर गया अभी। हम अभी लाइन में खड़ा हुआ है कॉस्को में, तो बिल देने जा रहे हैं हम अभी। यहाँ पे बहुत लाइन है, देखो बहुत लाइन। आज वीकेंड है फिर भी बहुत आदमी आए हुए हैं, बहुत सारा। तो हम यहाँ पे लाइन में खड़ा हुआ है। देखो इसने पूरा पिंक फ्लावर ले रखा है, ये है मैंने। हम वहाँ पे खाने जाएगा पिज्ज़ा, वेज पिज्ज़ा खाने जाएगा अभी। मेरे से पूछ रहा था निमा पेमा क्यू का मतलब क्या होता है। निमा मतलब मेरा नाम है, और पेमा क्यू जो है हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे कि इंडिया में होता है देहरादून, पंजाब, दिल्ली होता है, वैसे ही तिब्बत में भी हमारा एक छोटा सा जगह होता है पेमा क्यू करके नाम होते हैं। हम वहाँ से पैदेश नहीं है, लेकिन मेरा दादी दादा जो भी है वो वहीं से पैदा हुआ था, पैदेश वहीं से है, इसलिए ये जगह का नाम है पेमा क्यू, जो है जगह का नाम है। तो मेरा मम्मी पापा जो है वो हम तिब्बत से वहाँ से बाहर से निकल के आते समय वहाँ से एक इंडिया और तिब्बत में एक बॉर्डर है, छोटा सा गांव है, वहीं से पैदा हुआ था। वो है जगह के नाम है चुटिंग, वहीं से पैदा हुआ था। मैं पैदा हुआ था इंडिया में, असम में पैदा हुआ था। तो निमा का मतलब तो मेरा नाम हुआ, और पेमा क्यू जो है जगह का नाम है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हमारा दादी दादा दादी बिलोंग करते हैं, हमारा जगह का छोटा सा गाँव की जगह का नाम तिब्बत के अंदर ही होते हैं वो। हाँ वही है, तो अभी खा रहे हैं हम। मुझे भी इतना अच्छा से एक्सप्लेन करना नहीं आता है, लेकिन जितना मुझे पता था आपको कुछ सब शेयर कर दिया। ताजा पिज्जा खा रहे, देखो छोटा 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 करके। अभी आप ना खांग जिला तक तो देखो छोटा छोटा पीस लेके खा रहा है, कब खत्म होगा पता नहीं। दादा दादा तुम ना मम जा, जैसे कि मैं मेरा छुट्टी हो तो ना मैं मम्मी को लेके बाहर आ जाता है, क्योंकि मैं पूरा कोशिश करता है छुट्टी में मैं बाहर पे टाइम स्पेंड करूं, क्योंकि मैं तो काम पे चला जाता है, मम्मी घर पे बैठा रहते हैं, बोर हो जाता है। तो जब भी मेरा छुट्टी होता है ना मैं बाहर पे लेके बाहर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो आप लोग भी ऐसे ही कोशिश करो, जैसे कि कॉस्को हुआ, वॉलमार्ट हुआ, बहुत सी जगह है जहाँ पे जाने के लिए, और घूमने भी जा सकते हैं, पार्क पे जा सकते हैं। और जैसे कि मैं आया कॉस्को पे आया, और कॉस्को पे ऐसी है सामान बहुत मिलते हैं, लेकिन जैसे कि ग्रॉसरी शॉपिंग हो गया, जो भी है ग्रॉसरी शॉपिंग, कपड़ा लेना हो आपको, ग्रॉसरी करना हो, खाना है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। आप ग्रॉसरी शॉपिंग करो यहाँ से, और लाइक कपड़ा वगैरह जो भी लेना है ले लो, उसके बाद आप आराम से यहाँ पे बैठ के जो भी खाना है खा सकते हैं। जैसे हमने अभी पिज्ज़ा खाया, चीज़ पिज्ज़ा, नहीं तो हॉट डॉग भी मिलता है और बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे।
वहाँ पे पेपरोनी पिज्ज़ा मिलता है, और क्या मिलता है यहाँ पे, आइसक्रीम मिलता है, फ्राइज मिलता है, पोटीन मिलता है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। जैसे कि पिज़्ज़ा ही खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, टाइम थोड़ा सा स्पेंड कर लो अपना मम्मी के साथ, अपना दादा दादी के साथ, ऐसे ही बाहर आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो, बहुत अच्छा लगता है। वो लोग को भी अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है। नहीं अब देखो तो इसलिए मैं जब भी मेरा छुट्टी होते है, मेरा मम्मी हम दोनों बाहर निकल जाते हैं। जब जैसे कि मैं लेट नाइट काम करते है, मैं थोड़ा सा सोता है या 10-11 बजे तक सो लेता है। जब भी मेरा छुट्टी हो मैं 10-11 बजे तक सो लेते हैं। उसके बाद हम खाना वगैरह घर में नहीं बनाते, बाहर पे आते हैं, घूमते हैं और बाहर से ही खा लेते। तो वैसा करो अच्छा लगता है, क्योंकि टाइम भी स्पेंड हो जाता है। और मेरा हस्बैंड और मेरा चिल्ले आ रहे हैं, जैसे मैंने बड़ा सा पिज्ज़ा ले लिया आज, नहीं तो हम पीस पीस लेते हैं। आज पूरा बक्सा ये पूरा पीस लिया मैंने, ताकि मेरा हस्बैंड और चिल्ले भी खा सके साथ में। और कॉस्को में अफोर्डेबल प्राइस है, क्योंकि जैसे बर्गर हुआ, ड्रिंक्स हुआ, बहुत अफोर्डेबल है। और बाहर से लूँ तो आप बाहर से ऐसे पिज़्ज़ा ले तो 37 ऐसे में आ जाते हैं, इतना पिज़्ज़ा लेने में, ड्रिंक्स लेने में। और ये यहाँ कॉस्को में आया, मैंने दो ड्रिंक्स लिया और पूरा पिज़्ज़ा 12 पीसेस है अंदर में, वो लिया है। 6 पीसेस होता है वैसे, हाँ मैंने 12 पीसेस करने के लिए बोला, छोटा करके, क्योंकि बड़ा उनसे मुँह में नहीं जाते, इसलिए मैंने 12 पीसेस करने के लिए बोला है। हाँ तो अभी हम खा चुके हैं और मेरा हस्बैंड और चिल्ले आ रहे हैं, उसका ही वेट कर रहे हैं। मैंने सोचा यहाँ पे अंदर पे आके साथ में खा लेते हैं, साथ में यहाँ यहीं पे बैठ के खा लेते हैं, टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, और लेके जाऊँ ठंडा हो जाएगा, और गाड़ी भी खाऊँ, अच्छा नहीं लगता इसलिए। फाइनली मेरा हस्बैंड और मेरा चिल्ले आ गया है, चिल्ले हैंड वॉश करने के लिए गया हुआ है। अभी हम यहाँ पे ऐसे ही खा रहे हैं, अभी खा लेते दे लेते खो खाओ छंग मो सा दूर है। चिल्ले आ गया, मैं चिल्ले और मेरा हस्बैंड को वेट कर रहा था यहाँ पे बेसबीर से। ओ जी यम्मी, ओके हम कॉस्को से ख़त्म हो चुके हैं, अभी हम घर पे वापस जा रहा है। बाहर भी बारिश गिर रहा है देखो, और मेरा मम्मी हस्बैंड मेरा चिल्ले मेरा लड़का जो है वहीं पे जा रहा है। पता नहीं सुबह ही मौसम बहुत अच्छा था, अभी बारिश गिर गया। लोग बोलते हैं ना कनाडा का हस्बैंड वाइफ काम और वेदर जो है कभी स्टेबल नहीं होते, चेंज होते रहते हैं, वैसे ही ऐसे सुनाई दिया था पहले, तो ये सच में यही हो रहा है। मेरा हस्बैंड जो है जो सामान लिया है वो यहाँ पे रख रहे ट्रंक में, तो मेरा हस्बैंड सब लिया मैंने कॉस्को से। देखो चिल्ले और दादा क्या कर रहे, चिल्ले क्या कर रहे देखो, अभी चिल्ले बेबी हो गया, चिल्ले दादा हो गया, दादा चिल्ले हो गया, समझे रे। ओके तो ये वीडियो जो है यहीं पे रखता है, अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। चाहिए 10,000 सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। And if you like my videos, please make sure to like and thumbs up. Try to make this video into 10,000 subscribers. And? I don't know. Bye. Ama Costco la ketang sa gase. Gase, you happy?